रिक्शा चालक ने किन्नर से पूछा चोली के नीचे क्या है, तो उसका बीस सड़क हुआ ये हाल। किन्नर ने रिक्शे से उतरकर चालक की कीपी टाई। मेरठ में आज देखने को अलग ही नजारा मिला। सड़क के बीचों बीच आज अजीब सा मामला देखने को मिला है, जब रिक्शा से जा रहा किन्नर सड़क पर अचानक उतर गया और दूसरे रिक्शा चालक पर दनादन कई थप्पड़ खींच डाले। राह चलते लोग किन्नर का यह रूप देख सकते में आ गए। मामला जब तक लोग समझ पाते तब तक रिक्शा चालक किन्नर के हाथों पिटाई खाकर जा चुका था। किन्नर ने भी मामले को तूल न देकर अपनी राह पकड़ ली। मामला दिल्ली गेट के थाना क्षेत्र के रेलवे रोड चौराहे का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक किन्नर रिक्शा पर जा रहा था, उसी दौरान एक अन्य रिक्शा चालक उसके पास से निकला और उसने किन्नर पर फातिया कसते हुए कहा चोली के पीछे क्या है। पहले तो किन्नर ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रिक्शा चालक ने दोबारा ऐसा कमेंट किया तो किन्नर आपे से बाहर हो रिक्शा से उतर गया। इसके बाद उसने फातिया कस रहे चालक को पकड़कर कई थप्पड़ रसीद कर दिए। किन्नर का यह रूप देखकर राह चलते लोग रुक गए और रिक्शा चालक को पीटते देखने लगे। लोग जब तक कुछ समझ पाते किन्नर जा चुका था। पिटाई के बाद रिक्शा चालक ने भी अपनी राह पकड़ ली। कुछ ही दूर पर पुलिस कर्मी मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। घटना काफी देर तक लोगों के बीच चर्चा का कारण बनी रही। वहीं पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिए जाने से लोग इसको खूब देख रहे हैं।